हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, आज हम बहुत आसान तरीके से घर पे ही गमला बनाने का प्रोसेस समझेंगे। हम लोग जो है कई बार जो है बाहर से गमले लाते हैं और बहुत ही कमज़ोर मिलते हैं, या हम जिस प्लांट को लगाना चाहते हैं उस साइज़ का गमला हमें मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। दूसरी बात, जब हम सीमेंट के भी गमले परचेस करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। साथ ही कई बार जब हम वो लाते हैं तो पहले तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन साल दो साल के बाद में उसके ऊपर की सीमेंट गिरने लग जाती है और वो बहुत ही कमज़ोर होकर टूट जाता है। दोस्तों, तो हम लोग जो गमला घर पे बनाते हैं उसमें अच्छी क्वांटिटी में सीमेंट मिलाते हैं और मटेरियल अच्छा होने की वजह से वो मजबूत भी रहता है और बहुत ही सस्ता दोस्तों पड़ता है। आप देखेंगे कि एक सामान्य गमला जो कि आपका 100 से 150 रुपये का पड़ता है किसी एक जो है आप परचेस करने पर, वो घर पर 25-30 रुपये की लागत में ही आसानी से बन जाता है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि गमला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज हम सीमेंट के पॉट की प्रोसेस समझने वाले हैं कि किस तरीके से सीमेंट का गमला बनाएँ। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि हम इस तरीके का कोई ना कोई हमारे पास सांचे के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे कोई टब हो सकता है, कोई बाल्टी हो सकती है, कोई भी कंटेनर हो सकता है, या फिर जो हम मार्केट से प्लास्टिक के गमले लाते हैं उनको भी हम सांचे के रूप में, ढालने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरीके से सीमेंट के गमले भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान सा तरीका जिसमें हमें बहुत बिल्कुल आसानी से ये बन सकता है। तो हमारे पास ये एक टब है इस तरीके से, और दूसरा हम देखेंगे दोस्तों एक इसके साइज़ का। दोस्तों, हमने ये बाल्टी ले लिया है, ये दोनों ऐसा नहीं कि इसमें यूज़ हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरीके से बाल्टी लेंगे जिससे इसमें हम देखें कि बहुत ज़्यादा गैपिंग भी ना रहे और बहुत कम भी ना रहे। दोस्तों, ये जो हमारे पास एक जो ये हमारे पास डोंगा है, टब है, और ये बाल्टी है, इनका साइज़ कुछ इस तरीके से है कि इन दोनों के बीच में लगभग एक अंगुल जो है ये आपका लगभग आधा सेंटीमीटर से कुछ हल्का सा ज़्यादा गैपिंग है और चारों तरफ ये समान रूप से गैपिंग है। हमें बहुत ज़्यादा गैपिंग भी नहीं चाहिए, नहीं हमारा गमला बहुत भारी हो जाएगा, और बहुत कम गैपिंग भी नहीं चाहिए, नहीं तो गमला टूट जाएगा। दोनों कंडीशन होती हैं, हमने इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करना है, चाहे जो भी आप दो कंटेनर सेलेक्ट करें जिनके बीच में लगभग इतनी गैपिंग तो हुई है, एक अंगूठे के बराबर लगभग ये गैपिंग है। दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना होता है कि इस तरीके से जो मोबिल ऑयल जो होता है, आपके घर में जो भी व्हीकल्स होते होंगे, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, उनमें मोबिल ऑयल ज़रूर निकलता है, और वो जो वेस्ट मोबिल ऑयल होता है घर में पड़ा रहता है, तो उसको क्या करना होता है कि इस तरीके से जैसे हमने इसकी अंदर की सरफेस जो है उसको अच्छे से मोबिल ऑयल से इस तरीके से दोस्तों उसमें लगा दिया, पूरे में यूनिफॉर्मली लगाना है जिससे हमें गमला निकालते समय बहुत आसानी होती है। दोस्तों, पूरे में यूनिफॉर्मली लगाना है, और इस तरीके से हमने इसकी बाहर की सरफेस पे भी लगा लेना है। दोस्तों, जैसे इस तरीके से हमें जितना पार्ट अंदर रहेगा इसको हमें अच्छे से ये लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से ये लग गया है, ये पूरे में लग गया, और इसके निचली सरफेस पे भी दोस्तों हम बहुत अच्छे से इसको लगाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़, ये हमें मोरंग की ज़रूरत पड़ेगी, लाल वाली रहती है जिसके यहाँ एक तो सैंड होती है और दूसरी होती है मोरंग। दोस्तों, ये मोरंग है, हमें बालू का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, नहीं तो वो गमला कमज़ोर हो जाएगा। हमें मोरंग और सीमेंट का ही मसाला बनाना होगा। दोस्तों, ये लाल वाली मोरंग है, और इसमें से बहुत बड़े बड़े कंकड़ हमने दोस्तों निकाल दिए हैं, छोटे छोटे से कंकड़ ही इसमें रह गए हैं, छोटे वाले हमने रोक दिए हैं और बड़े वाले बिल्कुल हटा दिए हैं। या तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल इस तरीके के जो चालने होते हैं उनसे चाल कर बिल्कुल फाइन भी बना सकते हैं, उससे फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। दोस्तों, तो ये मोरंग की रिक्वायरमेंट होगी, और रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों इस तरीके से सीमेंट की। हमारे यहाँ दोस्तों अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें इस तरीके की सीमेंट बची हुई थी, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। अब दोस्तों, मसाला बनाते समय हम 3-1 का मसाला बनाएं। 3-1 का मसाला का मतलब क्या होता है कि हम तीन जैसे मात्रा में 3-1 हमने कटोरा ले लिया है, 3 कटोरे हमने जो है मोरंग डाल देनी है इस तरीके से, 2-3 इस तरीके से,
और ये एक कटोरा इस तरीके से हमें क्या करना है, सीमेंट डालना है। तो ये 3:1 का मसाला हो जाता है, जिसको हम 3:1 का मसाला बोलते हैं। अगर हम बहुत कम सीमेंट डालेंगे तो गमला कमज़ोर रहेगा। अब इसको दोस्तों हम बहुत अच्छे से ऐसे इसको मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमको, बिल्कुल पूरी तरीके से। अब इसमें हम दोस्तों पानी मिला लेंगे, इसको बिल्कुल हम स्लरी के जैसा बना लेंगे, बिल्कुल ढीला सा मसाला बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने इसको एकदम स्लरी के जैसा मसाला तैयार कर लिया है। आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपके पास ग्लव्स हों तो आप जो है ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सीमेंट की वजह से जो उंगलियों के किनारे होते हैं ये कट जाते हैं, इसमें हल्के हल्के छेद हो जाते हैं। और हम तो क्या है कि इसको तुरंत लगाने के बाद एक मिनट के बाद हाथ धुल लेंगे। अगर नहीं भी हैं ग्लव्स तो इसके बनाने के बाद इमीडिएटली अपने हाथों को धुलें और उसमें जो है ऑयलिंग कर लें या वैसलीन लगा लें। अब दोस्तों इसमें हम इस तरीके से इसको भरेंगे। कम से कम जो है 1/2 इंच का बेस हमें रखना होगा इसका यहाँ पे, फिर इसको इस तरीके से रखें कि इसमें गैपिंग चारों तरफ से बराबर रहे, नहीं तो फिर गमले में एक तरफ मोटाई ज़्यादा दिखेगी, एक तरफ मोटाई कम दिखेगी। अब दोस्तों हमने इसको भर लिया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और हल्का सा हम इसे हिला भी देंगे इस तरीके से, जिससे यूनिफॉर्मली चारों तरफ का मसाला सेट हो जाए, ऊंचाई बराबर रहे। और ऐसे थोड़ा सा वाइब्रेट कर देने से किनारों पर साइड में सीमेंट अच्छे से चली जाएगी, कोई गैपिंग नहीं आएगी और जो साइड की फिनिशिंग होगी वो बिल्कुल सीमेंट वाली चिकनी सी मिलेगी हमें यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों हमें हल्का सा चारों तरफ से वाइब्रेट भी कर लेना होगा इसको, तो सीमेंट की अंदर बाहर लेयर मिल जाएगी बिल्कुल अच्छी सी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इसमें ऊपर से एक गमला रख देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा वेट के लिए, आप कोई भी वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसको रख दिया है। दोस्तों ये पूरा हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब दोस्तों 2.5 घंटे के आसपास समय हो गया है और मैं इसको इसमें से ऊपर वाला जो है बाल्टी उसको निकालने वाला हूँ। दोस्तों बिल्कुल आसानी से होता है कि इसको हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा हिलाना है पहले बहुत एकदम से झटके से नहीं निकालना है, इस तरीके से हल्का हल्का सा हमें मूव कराना है। आप देख रहे होंगे दोस्तों बिल्कुल अलग सा होने लग गया है 2.5 घंटे में ही। ये सीमेंट में मोरंग बहुत जल्दी सेट होती है और अब धीरे धीरे से इसको निकालेंगे हम हल्का घुमाते हुए ही। तो ये इस तरीके से आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये निकल के सामने आ गया है और ये बिल्कुल आराम से हमने निकाल लिया। अब इसको नहीं छेड़ना है, अब इसको पड़ा रहने देना है। दोस्तों क्या है कि अगर हम सिंपल सा पॉट बना रहे हैं किसी जो है पौधे को लगाने के लिए तो बीच में ड्रेनेज होल रखेंगे, लेकिन मैं इसे कमल के पौधे को लगाने के लिए बना रहा हूं तो मैं इसमें ड्रेनेज होल अभी नहीं बनाऊंगा, इसी तरीके से रहने दूंगा। अब दोस्तों 4 दिनों तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हल्का हल्का सा पानी के बौछार करते रहेंगे। 4थे दिन आप देखेंगे सीमेंट इस प्लास्टिक से अलग होने लगेगी, तब इसे पलट कर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी गमला बनाने की, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।